हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरजीत बायोलॉजी ट्रिक्स बायोलॉजी मेड इजियर। आज हम बात करेंगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जो कि दिया गया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा, और उसके बारे में बहुत ही डिटेल स्टडी करेंगे और आपको याद करने की आसान से ट्रिक भी बताएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जो कि दिया गया था एक जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और जिन्होंने इसको खोजा था साउथ अमेरिका के जंगल्स में। ये सारे सवाल पूछे गए एनसीईआरटी में, ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप ये बात ध्यान रखें। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कहाँ के थे? साउथ अमेरिका के जंगल में इन्होंने रिसर्च की थी। इन्होंने बताया था कि जैसे जैसे एरिया एक्सप्लोर होती है, वैसे वैसे स्पीसीज की रिचनेस बढ़ती है, लेकिन कहाँ तक? एक लिमिट तक, अप टू अ लिमिट इन्होंने लगाया था। लिमिट इसलिए लगाया था क्योंकि अगर ये लिमिट ना लगाते तब ये जो कर्व था ये क्या हो जाता? जे शेप कर्व हो जाता, ठीक है ना? क्या, कौन सा कर्व हो जाता? जे शेप। तो ध्यान रखेंगे कि इन्होंने क्या बताया था, अप टू अ लिमिट बताया था। तो देखेंगे कैसे इन्होंने बताया कि मान लीजिए इस एरिया में ये एरिया कितना था, जो भी एरिया रहा हो इसमें इन्होंने कितनी स्पीशीज खोजी, 5000 स्पीशीज इन्हें मिली, ठीक है। फिर एरिया इन्होंने बढ़ाया, बढ़ाने के बाद यहाँ पर स्पीशीज को कितनी मिली, 10,000 स्पीशीज मिली, ठीक। फिर उसके बाद आखिरी में फिर इन्होंने एरिया बढ़ाया, लेकिन स्पीशीज लगभग कितनी थी, 10,000 ही थी, यहाँ स्पीशीज नहीं बढ़ी। तो इन्होंने इसीलिए क्या कहते हैं, जितना एरिया बढ़ता चला गया उतना स्पीशीज, जितना एरिया एक्सप्लोर्ड बढ़ता चला गया उतनी स्पीशीज बढ़ती चली गई, लेकिन अप टू अ लिमिट, एक लिमिट के बाद क्या हो गई, वो कांस्टेंट होती चली गई। तो इन्होंने क्या एक सेंटेंस दिया कि स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस, इन्होंने क्या बताया, इससे क्या प्रूफ हुआ कि स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस व्हेन एक्सप्लोर्ड एरिया इंक्रीजेस अप टू अ लिमिट। एक बात ध्यान दीजिएगा, अप टू अ लिमिट इन्होंने इसको कांस्टेंट कर दिया। अगर लिमिट ना लिखे होते तो कैसा कर्व होता, कर्व हो जाता जे शेप। अगर ये लिमिट ना लगाते तो क्या हो जाता, जे शेप्ड कर्व हो जाता। इसीलिए इन्होंने क्या बताया कि ये लिमिट लग गए, इसलिए जो स्पीशीज था वो लगभग कांस्टेंट होंगे। देख लीजिए दोस्तों, फिर इसके बाद बताएंगे कि इन्होंने एक बात और बताई, एक लाइन नीचे एनसीईआरटी में लिखी हुई है, सिर्फ जब रिलेशनशिप क्या होता है, एरिया का नंबर अप्लाई किया जाता है तो किन कौन कौन से एग्जांपल ले जाते हैं। एग्जांपल उन्होंने बताया, पहला एग्जांपल था एंजियोस्पर्मिक प्लांट, कहां पर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इसको अप्लाई किया गया। फिर अप्लाई किया गया फिशेस ऑफ फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर फिशेस में। फिर इसे अप्लाई किया गया बर्ड्स एक्सेट्रा में, और फिर क्या किया गया, प्लॉट किया गया, प्लॉटेड अ ग्राफ। और ग्राफ कैसा था, बहुत बार पूछा गया AIPMT में, ग्राफ वाज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बहुत ध्यान से लिख लेंगे, याद कर लेंगे, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनता है। तो एक बात ध्यान दे देंगे, जो मेरी एक ट्रिक है कि पैराबोला मतलब क्या होता है, पैराबोला मींस होता है कटोरा। एक बात याद लिख लेंगे, याद कर लेंगे हमेशा के लिए, पैराबोला मतलब कटोरा, मतलब, ठीक है। तो कोई प्यार से बोलेगा तो उसे कटोरा दिखाएंगे, अगर कोई ज्यादा बोलेगा हाइपरबोला, हाइपर मतलब ज्यादा, बोला मतलब बोलने वाला, ज्यादा बोलेगा तो कटोरा कैसा हो जाएगा, उल्टा कटोरा। तो कटोरा कैसा हो गया, उल्टा कटोरा हो गया। तो इसी तरह से ये जो हाइपरबोला ग्राफ, ये भी कैसा है, उल्टे कटोरे, ये उल्टा कटोरा होता है, ये सीधा कटोरा होता है, तो सीधा कटोरा, ये उल्टा कटोरा, तो उल्टे कटोरे जैसा ग्राफ बनेगा। तो हमेशा ध्यान देंगे इसका ग्राफ कैसा होगा, उल्टा कटोरा जैसा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आइए बात करते हैं ग्राफ पे, आइए दोस्तों ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसा है, उल्टा कटोरा, देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये उल्टा कटोरा है। और फिर इन्होंने क्या किया है, इसको दो जगह से
दो इसके डायमेंशंस, एक एरिया है, देखिए एरिया है और ये स्पीसीज रिचनेस है। देखेंगे यहाँ से जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीशीज बढ़ रही है, लेकिन एक एक्सटेंट पे क्या होता है, ये लाइन क्या होती है, सीधी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है ऐसे करके। देखिए यहाँ से ये कॉन्स्टेंट होती चली गई है, तो मतलब क्या होगा कि एरिया बढ़ेगा तो कुछ स्थिति तक, कुछ लेवल तक स्पीशीज बढ़ेगी, लेकिन फिर क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। फिर इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने लॉग लॉग स्केल पर इसे सॉल्व किया है। क्या सॉल्व किया है, एस इक्वल्स टू सी ए टू द पावर ऑफ जेड। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो लोग मैथ वाले अच्छे से समझ जाएंगे, सी ए टू द पावर ऑफ जेड कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग लॉग स्केल में, लॉग लॉग स्केल। तो ये स्ट्रेट लाइन है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है एम एक्स प्लस सी, है ना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो देखेंगे दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग लॉग स्केल में, तो क्या बन जाएगा, लॉग s इक्वल्स टू लॉग c प्लस z लॉग a, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया है लॉग लगाने से, लॉग s, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है जो कि अप्लाई कहाँ होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है वहाँ पर अप्लाई होगा। तो इसको यहाँ लिख लेंगे हम लोग log s, आपकी बुक में भी लिखा होगा ये, log s इक्वल्स टू log c, log c प्लस z log a, ठीक है। यहाँ पर क्या है, mx प्लस c की ये पूरी पूरी इक्वेशन क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, जहाँ पर z क्या होता है, z होता है रिग्रेशन कोफिशियंट, क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशियंट। कहीं कहीं इसे रिग्रेशन कोफिशियंट के अलावा स्लोप लाइन भी बोलते हैं, स्लोप लाइन भी बोलते हैं। ये लाइन क्या हो सकती है, या तो स्टीपर होगी या तो ब्लंट होगी, तो ये स्टीपर भी हो सकती है और ये ब्लंट भी हो सकता है, भी प्रूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ए मतलब होता है एरिया, एरिया, और उसके बाद सी इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू इंटरसेप्ट, ये प्रूफ करता है कि जो हमारा ग्राफ है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता। ये क्या प्रूफ करता है, ग्राफ डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ग्राफ नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, फ्रॉम जीरो। तो देखिए ग्राफ में देखिए ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, जीरो के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सी ये बताता है। अब आइए बात करते हैं रिग्रेशन कोफिशियंट पर। अब हमने ग्राफ भी देख लिया, अभी बात करते हैं वैल्यू ऑफ जेड की, जिसे बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशियंट। अगर ये बात बता रहा है कि अगर जेड की वैल्यू 0.1 से 0.2 तक होगी, तो जैसा ग्राफ ये हमें दिया गया है वैसा ही नॉर्मल ग्राफ होगा, जो कि अप्लाई होता है टैक्सोनॉमिक ग्रुप में, ठीक है ना। तो टैक्सोनॉमिक ग्रुप में जो हमारा ग्राफ दिया हो ऐसा ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ज़्यादा स्टीपर नहीं होगा, ऐसा ही जैसा बना हुआ वैसा होगा, ठीक है। लेकिन अगर एरिया बढ़ जाती है, जैसे हम किसी बड़े कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो जेड की वैल्यू 0.6 से 1.2 हो जाती है, या फिर हम किसी फ्रूगिवोरस वर्ल्ड की बात करते हैं या किसी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो जेड की वैल्यू बढ़ जाती है। और जेड की वैल्यू अगर बढ़ जाती तो ग्राफ क्या हो जाता है, ये स्टीपर हो जाता है, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये मोर स्टीपर हो जाता है, ठीक है ना। ये तरीका हम याद कर लेंगे, मोटा मोटा तरीका याद कर लेंगे कि अगर z की वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ग्राफ स्टीपर हो जाएगा, z की वैल्यू कम रहेगी तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ जो है नॉर्मल रहेगा। दूसरा तरीका हम याद कर लेंगे कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 इक्वल्स टू क्या होता है, 1, तो ये नॉर्मल की बात है, ठीक है, तो ग्राफ हमारा नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर 1 की वैल्यू 1 से कुछ भी ज़्यादा बढ़ती है तो ग्राफ क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा, ठीक है ना। 10 की वैल्यू, अगर 10 की वैल्यू 10 45 की 1 होती है, अगर 1 से ज़्यादा होगा तो एंगल यहाँ बढ़ेगा, तो एंगल इंक्रीज होगा, एंगल विल इंक्रीज, तो ग्राफ विल बी स्टीपर। ये ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो 10 की वैल्यू याद कर लेंगे और उसके बाद क्या कर लेंगे, अगर 10 45 = 1 होता है तो ग्राफ नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर यहाँ वैल्यू बढ़ेगी तो एंगल बढ़ेगा, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, मोर स्टीपर हो जाएगा, ठीक है ना। दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका जो मुझे पसंद है, कि जो बहुत ही आसान है, सबको याद हो जाएगा आसानी से, ये होता है स्मॉलर एरिया, स्मॉलर एरिया, ग्राफ है नॉर्मल, ग्राफ कैसा, नॉर्मल, और लार्जर एरिया,
सिंपल सी बात है, ग्राफ कैसा स्टीपर, अगर ये याद कर लेंगे तब भी आपका एग्जामिनेशन में काम चल जाएगा कि छोटी एरिया की बात करें तो ग्राफ नॉर्मल रहेगा और ज़्यादा एरिया की बात करें तो ग्राफ क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। दोस्तों दूसरी बात देखिए, ये कैसे याद करें, एग्जामिनेशन टाइम में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कैसे याद करना है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इस सुप्रीम कोर्ट को एस सी बोलते हैं, ए मतलब आ, तो एस सी आ, सुप्रीम कोर्ट आ, ठीक है। फिर क्या हुआ, डंडा मार दिया, ये डंडा मार दिया हमने, पहले प्यार से बुलाया सुप्रीम कोर्ट आ, जब डंडा मार दिया तो हमने क्या बोला, एस सी जा, एस सी जेड ए जा, तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा, एस सी जा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तरीका ग्राफ याद करने का, एस सी आ, फिर डंडा मार दिया, फिर एस सी जा, ठीक है। प्यार से बोला एस सी आ, नहीं डंडा मार दिया तो एस सी जा हो गया, तो एस सी एस सी जेड ए जा, तो याद कर लेंगे। ऑप्शन चार होंगे, एक चूज करना होगा, तो एस सी आ, एस सी जा, जो जो कर्व था उसे एस सी आ, और जो कर्व नहीं था स्ट्रेट लाइन था एस सी जा, समझ आ गया। तो स्मॉल एरिया के लिए नॉर्मल ग्राफ, लार्जर एरिया के लिए स्टीपर ग्राफ, ये बहुत ही आसान सा तरीका है जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बस एरिया देखना है और एग्जाम्पल से याद करने हैं, जिससे आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको पसंद आ रही हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।